जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जल विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2024 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी आने वाली 27 मई 2024 तक घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना किसी एप्लीकेशन फ़ीस के आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप सभी को आवेदन करना है। इस वैकेंसी के अंदर आपको ग्रुप सी की तमाम पोस्टें मिलेंगी, जैसे कि केयर टेकर हो गया, असिस्टेंट हो गया, एमीन हो गया, और भी कई सारी पोस्टें हैं जिनके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी आगे इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपको बता दें, 10-12 पास आउट हैं तो आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन हैं। सैलरी आपको 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये तक मिलेगी। कौन से लेवल में मिलेगी, इसके बारे में आपको आगे जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की जॉब्स हैं, आप सभी भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, और मेल एंड फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट प्लस नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप सभी क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। हो सके तो साथ में आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करें। देख सकते हैं, जल बोर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है। आपको बता दें, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट आपको डिपार्टमेंट मिलता है, वहां से 2024 की न्यू वैकेंसी है। अधिक जानकारी के लिए गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे naukrikhabar.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और उसके अंदर ये सभी वैकेंसियाँ भी मिल जाएंगी। सबसे पहले हम डेट्स की बात करते हैं। 25 अप्रैल 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट है 27 मई 2024 की। इसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, आपको एक भी रुपए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। यह इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात है। जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएस सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में इस वैकेंसी के अंदर आवेदन करने वाले हैं। आपकी उम्र क्या होगी, तो कम से कम आपने 18 कंप्लीट कर लिया हो और अधिक से अधिक 38 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस बीच आपकी उम्र में छूट भी आपको मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का, और ओबीसी से आते हैं तो 3 सालों का छूट है। बाकी की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, अच्छी खासी वैकेंसी है, 673 यानी 673 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो केयर टेकर की, असिस्टेंट की, एमीन की, ग्रुप सी के अंदर सभी पोस्टें हैं, और जो पोस्टें बची हैं उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आपने 10-12 पास कर रखा है तो आप किसी भी पोस्ट वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। आप सभी भारत के किसी भी राज्य से मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है टुडे टॉप जॉब लिस्ट, यानी कि आज की नई सरकारी नौकरियों की जानकारी। अपने अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप सभी क्लिकर की बटन पे क्लिक करेंगे और आज की नई सरकारी नौकरियों की जानकारी को देखेंगे, और अगर आपको जॉब्स अच्छी लगती है तो आप सभी इनके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। वेतन के बारे में बात करें तो इनहैंड में स्टार्टिंग से ही आपको 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक की सैलरी देखने को मिलेगी। इसके बाद है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होना है, साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। इसके लिए आपको एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है सिलेक्शन को बहुत फास्ट है। उसके बाद कैसे आप लोग आवेदन करेंगे उसकी जानकारी है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलते हैं, जहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलता है और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिंक भी दिया गया है। आपको एक बार डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने क्लिकर की बटन पे क्लिक करना है और अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूं।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के अंदर डेट्स प्रोवाइड करवाई गई हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग और एंडिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। रजिस्ट्रेशन आपका और ऑनलाइन आवेदन जो है तो 25/4/2024 से शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इन डेट है वो है 27/5/2024 की, यानी 27 मई तक आवेदन कर पाएंगे। आपका जो एडिटिंग है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो 29 मई 2024 तक चलेंगे। 10 प्लस 2 यानी 10th और 12th लेवल की वैकेंसी हैं। अभी एक बार हम वैकेंसियों के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नेम मिलेगा, यहाँ पे पोस्ट का नेम मिलेगा, टोटल नंबर वैकेंसी, कौन से ग्रुप के अंदर वैकेंसियाँ आती हैं और किस लेवल में आपको वेतन मिलेगा। पहली वैकेंसी है केयर टेकर की और इनका डिपार्टमेंट देख सकते हैं। दो नंबर वैकेंसी ग्रुप बी के अंदर लेवल 9 के अंदर वेतन आपको मिलेगा। इसके बाद आयुर्वेदिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट के अंदर 220 पोस्टें हैं, ग्रुप सी की वैकेंसी है। उसके बाद है आपकी होम्योपैथिक असिस्टेंट की वैकेंसी, आयुष असिस्टेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ आयुष 216 यहाँ पे वैकेंसी हैं और ग्रुप सी के अंदर पोस्टें हैं। अगली पोस्ट आपको मिलेगी यूनानी असिस्टेंट की, डायरेक्टर ऑफ आयुष डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट है, 7 वैकेंसी हैं, ग्रुप सी की पोस्टें हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट अंदर डायरेक्टरेट ऑफ फिशेरियस की पोस्टें हैं। इसके बाद 212 पोस्टें हैं ग्रुप सी के अंदर और आखिरी में एमीन की पोस्टें हैं, एसी यानी एआईसी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, 16 वैकेंसी हैं ग्रुप सी के अंदर, लेवल 3 में आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको आपको अच्छे से रीड करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी हैं, जैसे जर्नल हो गया, SC BC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, PWD हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, स्पोर्ट कोटा हो गया, इसके अंदर आप वैकेंसियों को भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से और नीचे आते हैं तो आपको इन सब के विजन्स के बारे में बताया गया, मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ से और नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ गुड कैरेक्टर यानी भारत का नागरिक होना चाहिए और अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, मस्ट है पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन पास किया हो, HSC 10th पास किया हो। यहाँ पे लैंग्वेज भी आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं केयर टेकर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 लेवल का चाहिए होगा, बाकी जो आयुर्वेदिक असिस्टेंट से लेकर यहाँ यूनानी तक की पोस्टें हैं, +2 यहाँ पे चाहिए होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एमीन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्टें हैं 10+2 यानी 10वीं और 12वीं पास चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 से लेकर 38 साल तक आपकी उम्र यहाँ पर मेंशन करी गई है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी देख सकते हैं, प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव मार्क भी रहेगा, आपका सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है ऑन पेपर टेक्निकल पेपर, और यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 3rd स्टेज है, इसको आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग ऑफर लेटर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लेस और डेट भी बताया गया एग्जामिनेशन का, इसको आप लोग देख सकते हैं, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है। कोई डाउट होता है कमेंट करिएगा, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।